जय भोलेनाथ। एक मंजिल जो नीचे धसे हुए हैं। हाँ जी, सो इधर आके देखा, इतना रश है, इतनी संगत है, तो हमारी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि वहाँ जाएं दर्शन करने के लिए। हाँ, शूटिंग हो रही है, लोग जब बैठे होते हैं तो कैमरामैन चलते हैं सीधा उसके लिए, कार के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, न्यू डे, न्यू जर्नी। आज हो रही है दिन की शुरुआत लुधियाना से, नानी के मोहल्ले से, नानी के घर से, और हम जा रहे हैं श्री अमृतसर, श्री दरबार साहिब माथा टेकने के लिए। अभी फिलहाल जा रहे हैं मामा की दुकान, और मामा की दुकान मोहल्ले में ही है, तभी सीट बेल्ट लगाई नहीं। उनके जस्ट सामने से मुझे कुर्ता पजामा सिलवाना है, तो देखते हैं मामा जी क्या बोलते हैं और कैसे क्या होता है। ले तो गए थे पहले ही, मंगवाया था कुर्ता पजामा कानपुर और रैया में, लेकिन क्या है कि वहाँ पर सही सिला नहीं। भाई सज्जय सिंह की हाल चाल है, ये देखो ये शर्माते रहते हैं हमेशा। एक तो काला कुर्ता दे दिया है, अब सामने चलते हैं टेलर की दुकान में। भैया की दुकान पहले यहाँ हुआ करती थी, फिर वो वहाँ चले गए। हालचाल अंकल जी, ठीक हो? मैं बढ़िया, तुसी सुनाओ ठीक हो? बहुत बढ़िया। एक कपड़े मंगवाए सी के कानपुर, पर वो टेलर फंस गया, ठीक है, उन्होंने मेरा कुर्ता छोटा बना देता है, क्योंकि लेट हो रहा। बहुत छेती आ गया ना मामे, मामे को आने की लोड़ ही नहीं यार, कुर्ता मैं कल वाले सारे। हाँ, जेड़ा नॉर्मल होंगे। तो जी बैठे हैं आप गाड़ी में, हो चुका है ना आप, लेट्स गो टू दी अमृतसर। सर जी कह रहे कि मैं अपना पजामा कट के एक्स्ट्रा जेड़ा कपड़ा होएगा वो श्री वाहे गुरु। सतलज नदी में शंकर जी की मूर्ति, जय भोलेनाथ, नानक बता साहेब। अब हम लोग पहुंच चुके हैं ब्यास के पास, और भाई हमारे जो है लेके आ रहे हैं उसका गिलास। लो जी आ गया ऑरेंज जूस। अमृतसर गुरुद्वारा साहब है, यहाँ पर पार्किंग मिली है, यहाँ तो कहीं पार्किंग ही नहीं है, इतना ट्रैफिक। नीचे एक छोटू सा पपी भी है। और इधर घोड़े, पंजाबी वाला गाना नहीं है, तीन शौक ने पुट जतार दे, घोड़े चिट्टे, कुड़ियां ब्राउन, गड्डियां कालियां नी। गजब बेइज्जती है। यहाँ पर भी एक गुरुद्वारा साहिब, एक्चुअली ड्यू टू वेकेशन वीक, फ्राइडे भी है, वीकेंड कल से चालू है, सारे लोग घूमने के लिए आए हैं, मतलब दर्शन करने के लिए आए हैं, तो इस कारण पार्किंग का बहुत 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 जाम है। दरबार साहिब पूरा ऑटो कितने का? अच्छा, तो इस गली का क्या आप इतिहास बता रहे थे? मैं बता रहा था कि यहाँ पे जो गोल्डन टेम्पल के पास पास जगह है ना पुरानी वाली, हाँ जी हाँ जी, वो एक एक मंजिल के नीचे धसे हुए हैं। पहुँच गए, ये
सुबह से कुछ नहीं खाया, आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट अब आए हैं दरबार साहिब, वहाँ पर सही हो जाएंगे। सरोवर में स्नान करके धन श्री गुरु रामदास साहिब जी आ गए जी। लंगर हॉल, लोकल मार्केट, ये भी एक गुरुद्वारा साहब है, बाबा अटल राय जी का गुरुद्वारा। अब हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं यहाँ पर गोल्डन टेंपल के लिए। अभी आ गया श्री गुरु रामदास लाइब्रेरी, सरोवर। यहाँ पर जो एक चीज़ और है कि GST फ्री, टैक्स फ्री कोल्ड ड्रिंक मिलती है यहाँ पर, ओनली जस्ट फाइव रुपीज़। सी ऑल आर क्रेजी टू हैव दिस ड्रिंक, लाइन लगी हुई है यहाँ पर। तो ये अभी नई बिल्डिंग बनी है, ये पहले नहीं थी, शू हाउस। हर साल कुछ ना कुछ यहाँ पर इनोवेटेड ही मिलता है। यहाँ का मैगी पॉइंट, यहाँ का ये मार्केट, यहाँ पर मार्केट का तो एंड ही नहीं है। हर जगह मार्केट, हर जगह दुकानें, और इसका एक अलग ही मज़ा है यहाँ पे। ये सर्फ लोहा के बाटे होते हैं, उसमें चाय और सब्जी वगैरह जो भी। कुछ लोग होते हैं जो लोहे के ही बर्तनों में खाते हैं, सर्फ लोहा कहते हैं इसे। सो मैंने बताया ना, मार्केट का यहाँ पर कोई एंड नहीं है। एक से एक मार्केट, एक से एक दुकान, एक से एक चीज़ें, बेस्ट। ये सूट की दुकानें आ गई, फिर से मार्केट ही मार्केट। कबूतर, जल सेवा हो रही है। अभी हम लोग यहाँ की ना मेन, ये एक्चुअली मेन एंट्रेंस है, पर यहाँ के मेन मार्केट में हम लोग अभी जा रहे हैं। धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जी, मेन गेट ऑफ श्री हरमंदिर साहिब, ये है यहाँ की मेन मार्केट। अब आगे जी, आगे यहाँ पर लेफ्ट में काफी मिल रही है कुल्फियाँ, ऐसे कुल्फी खा लो जी, कुल्फी। ये आ गई जी मेन चौराहा। हम लोगों ने इस चौराहे पे कराया था फोटोशूट, यहाँ पर कैमरे वाले मिलते हैं तो बढ़िया, कहते हैं ना फैमिली मोमेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू दी श्री दरबार साहिब, दर्शन करके फिर हम लोग एक और गुरुद्वारे साहिब देखो शायद जाएंगे, फिर उसके बाद सीधा वापस। फिर देखते हैं बीच में अगर प्लान कोई चेंज हो गए या अगर कहीं जाना हुआ, वो बात अलग है, कहीं पर भी गाड़ी डाल लो भैया। कलर की स्कॉर्पियो, क्या बात है, वेरी नाइस। तो ये पहला गेट है मेन, यहाँ से मैं आपको दर्शन कराता हूँ। फाइनली श्री दरबार साहिब, बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। जब पहले आते थे ना तो यहाँ तक इवन कार पार्क हो जाती थी, फिर हम लोग यहाँ से अंदर अपना एंट्री कर लेते थे। अब यहाँ पर पूरा मार्केट और पूरा सब कुछ बना दिया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर रेस्ट रूम्स कहाँ हैं। मैं तो रेस्ट रूम के बाहर ही आ गए, ऐसे लोग हूँ दरबार साहिब अंदर जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश योर फीट्स, कृपया करना। तन तन श्री गुरु
रामदास साहिब जी। धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया। जिन से यहाँ पे जल सेवा होती है, आप पानी पी सकते हैं जब आपको प्यास लगे। हर कोनों में है, ऑलमोस्ट हर कोनों में है, हर जगह है। अभी हम लोग को मिलने वाले भी मिल चुके हैं एक कानपुर के ही। ये आ गया बेरी का पेड़, उसके नीचे लोग ज़्यादातर स्नान करते हैं, क्योंकि माना ये जाता है जिनको, माना क्या ये रियल है, जिनको कोई भी चीज़ दिक्कत हो, शरीर में रोग हो, वो यहाँ पर अपना प्रे करके, अरदास करके स्नान करें, फिर उनके रोग सारे दूर हो जाते हैं। तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जी। अब जा रहे हैं हम लोग स्नान करने के लिए। हाँ जी, तो स्नान हो चुका है। वाहेगुरु जी का नाम लेके बेरी के पेड़ के नीचे स्नान करना चाहिए जब भी आप यहाँ पर आएँ। अब बाबा जी का दरबार लगाए, माथा टेके, सब जगह से यूनिक फील आती है। और है कि अगर आप यहाँ पर हैं तो पूरा एक चक्कर, यानी पूरा एक परिक्रमा करनी चाहिए, एक पूरा राउंड। ये बोट है सेवा के लिए, साफ आफ करने के लिए या फिर कोई इमरजेंसी यूज़ के लिए। मैंने जैसा बताया ही था आपको लास्ट में कि हर एक कॉर्नर में ऑलमोस्ट आपको जल पियाऊ मिल जाएगा, जल पीने के लिए। तन तन बाबा दीप सिंह जी। ये एक्चुअली बाबा दीप सिंह जी साहिब जी का गुरुद्वारा साहिब अंदर था, एंड पिछली बार से रिनोवेट भी हो गया काफ़ी। फिर से कोने में जल पी आओ। अब हम लोग जा रहे हैं अपने बैगेज काउंटर में ताकि जो स्नान किए हैं क्लोथ्स वगैरह रख सके। हाँ जी, सो इधर आके देखा इतना रश है, इतनी संगत है, तो हमारी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि वहाँ जाएं दर्शन करने के लिए। हालांकि वाहेगुरु तो हर जगह ही है, एंड आई टोल्ड यू कि मेरा थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है आज, तो पता चले मैं लाइन में लगूं और फिर स्टोमक पर पेन हो, उसका क्या फ़ायदा। ये जो लगी हुई लाइन, मतलब यहाँ से लोग जा रहे हैं, फिर राउंड ले रहे हैं, फिर इधर ले रहे हैं, फिर इधर ले रहे हैं, देन आफ्टर ये सीधा जा रहे हैं, वेरी लॉन्ग। लेडीज़ एंड जेंट्स का अलग अलग उन्होंने क्राइटेरिया कर दिया, नॉट ईजी टू गो। लेडीज़ में तो फिर भी मेरी मम्मी चली गई हैं, छोटी लाइन है, जेंट्स में तो बहुत ज़्यादा बड़ी लाइन है, ह्यूज। प्रसाद लेने आए हैं, प्रसाद लेके मम्मी को दे देंगे। यहाँ से प्रसाद जो है वो जा रहा है, और ये जो है पॉलिथिन आप ले सकते हैं यहाँ पे। प्लेट के बदले ये हम लोगों को थोड़ा सा प्रसाद उन्होंने दे दिया है। मैं आपको दिखाने के लिए स्पेशल लेके आया हूँ यहाँ पे लाइंस, ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कि जा पाते कि नहीं। तो देख लिया आपने टूर, और ये है अकाल तख्त साहिब। यहाँ चलते हैं दर्शन करने के लिए। बात एक ही है, चाहे आप इधर जाएं या इधर आए, हाजिरी लगनी चाहिए। यहाँ पर दो निशान साहब हैं। निशान साहब के बाद हम इधर आए तो दिखाते हैं। अंदर तो जा नहीं पा रहे हैं, कम से कम इधर ही बैठ जाते हैं। ऊपर सेवा भी हो रही है कि जिसको जल छकना है
वो जल छक सकता है यहाँ पे लाइन में लगने के बाद। यहाँ पर ही बैठ जाते, सबसे बढ़िया जगह है। अब बज चुके हैं 5:05, सुनाओ गोइंग टू हैव सम टी। देखते हैं चाय का लंगर कहाँ चल रहा है एंड और भी सब देखते हैं इधर उधर। पैरों की बिल्कुल बैंड बज चुकी है। चलो जी चाह पीने। अच्छा मेरी तबीयत फिर से लगता है ख़राब हो गई है, हल्का सा बुखार सा भी लग रहा है और स्टमक पेन तो है ही है। अब जा रहे हैं यहाँ से लंगर हॉल, वहाँ से थोड़ा बहुत प्रसाद मुँह लगाएंगे एंड आफ्टर वी विल प्रोसीड टू दी। लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, कितना प्यारा सीन है। सेम हियर भी, क्या बात है। ये आज का हुक्मनामा, हुक्मनामा वो होता है कि जब गुरु महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को जब प्रकाश करते हैं तो पहला पेज जो रैंडमली आ जाता है फिर उसी को हुक्मनामा कहा जाता है। क्या सीन, क्या बात। शूटिंग हो रही है, लोग जब बैठे होते हैं तो कैमरामैन टीवी में लाइव दिखाते हैं। भाई बेरी के पेड़ के पास हम लोग आ चुके हैं जहाँ सुबह हम लोगों ने स्नान किया था। डेट मीन हमारा एक पूरा राउंड हो चुका है पॉजिटिवली। सो मम्मा पापा भैया गए थे लंगर हॉल, मेरा स्टोमक पेन हो रहा था मैं तो नहीं जा पाया। खैर अब यहाँ से हमने ले ली इजाज़त बाबा जी से कि बाबा जी जल्दी वापस से बुलाएं। कितनी प्यारी लाइटिंग है, ये वही चौराहा है जो सुबह आपको दिखाया था। लाइटिंग देखिए, फ़ोन में भी उतनी कैप्चर नहीं हो पा रही है, जो रियल लाइफ व्यू है वो नेक्स्ट लेवल है। मस्ट विजिट टू गोल्डन टेम्पल श्री हरमंदर साहिब जी। हम लोगों ने थोड़ी अभी बुक्स ली हैं और थोड़े से अभी देखेंगे और भी बुक्स, फिर वापस चल पड़ेंगे पॉजिटिवली। पूरा चौराहा है मार्केट के अंदर भी। अब इस मार्केट से भी लेने वाले हैं एग्जिट, फिर से नई मार्केट आ गई। यहाँ का फेमस सॉफ्टी पॉइंट, सॉफ्टी शॉप। अब फाइनली हम लोग ले रहे हैं इस मार्केट से बाय बाय, प्रोसीडिंग टू दी कार पार्किंग। कैसे चल रहा है ये वही मार्केट है जिससे हम लोग अभी उधर गए थे ना, वही इधर ही सीढ़ियां हैं।
वहाँ से हम लोग गए थे, यहाँ से हम लोग उतर सकते थे, सेम मार्केट। सूट वगैरह दादा, और ये जलियांवाला बाग उसका एग्जिट गेट। काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई थी यहाँ पे। धन्यवाद जी। अब हम लोग आए हैं धन धन बाबा दीप सिंह जी दे गुरुद्वारा साहिब। हाँ जी, तो फ्री हो चुके हैं बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारा साहिब से दर्शन करके, आराम से बढ़िया बहुत अच्छे से दर्शन हुए। नाउ प्रोसीडिंग टू दी कार। तो आई होप ये आपको ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा हो अमृतसर का, एंड इसी तरीके से आप डू लाइक सपोर्ट कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। बड़ी मेहनत लगती है, बीमार हूँ तब भी आया हूँ सिर्फ आपके लिए गाइस। बाय बाय।